स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। माय नेम इज अनम गुल एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 सेल डिवीजन लेक्चर 12 पेज नंबर 22। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मुरूसियत, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी खसूसियात होती हैं जो हमारी पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं। मतलब हमारी बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं हमारे जो पेरेंट्स से आती हैं और जो हमारी सेम होती है, जैसे हमारा हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सारे क्या होती हैं हमारी पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। ये बहुत और इसी तरह बहुत सी ऐसी खसूसियात भी होती हैं जो हमारी पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं। इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे क्या होता है। हेरिडिटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो लिविंग थिंग क्या करते हैं, पास ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स टू देयर, वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स अपनी खसूसियात अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, इस वजह से द बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट। इस वजह से क्या होता है जो बेबीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। जैसे ह्यूमन जो देखें वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। प्लांट्स, हम किसी एक फ्लावर का प्लांट ले लेते हैं, जैसे रोज़ ले लें, तो उसके जो फर्दर उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो उसी तरह ही होंगे। इसी तरह मैंगो के एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो सारे मैंगो के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें जो सारी खसूसियात होती है सारे मैंगो उसमें एक जैसी होती हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बींग में भी ऐसा होता है कि जो हमारे बेबीज़ होते हैं उनमें अपनी करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करते हैं, जिस वजह से अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट। अब जो हमने बीज के ज़रिए पौधा उगाया है तो उसकी खसूसियात अपने पेरेंट प्लांट जैसी होगी, जिस जिसका वो था पौधा, तो उसकी खसूसियात अपने पेरेंट्स से मुशाबे होंगी ना। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। अब वो यही बता रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हमारी पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में गई हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी मुरूसियत। द करेक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आई का कलर हो गया, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री आर अटैच्ड ईयर लोब्स। अब फ्री आर अटैच ईयर लोब ये कान की लोब को बता रहे हैं जो हमारी स्किन के साथ जुड़ी होती है या फ्री होती है। हाइट हो गया, इंटेलिजेंस, सहानत आर द एग्जाम्पल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एंड आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स। वो यही कह रहा है कि ये वो खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रही है, मतलब वालदैन से बच्चों में जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कौन कौन सी होते हैं, हमारी हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, और एक कान की लो जो हमारी स्किन के साथ जुड़ी होती है या सेपरेट होती है, हमारी इंटेलिजेंस, ये सारा कौन से होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। इसी तरह नीचे एक्टिविटी में ये बता हुआ है, एक्टिविटी 2.1 में ये दिखा हुआ है कंपेयरिंग हेरिडिटी करेक्टर अपनी खसूसियात का कंपेयरिंग करना, मतलब मुवाजना करना। क्लोजली ऑब्जर्व योर ओन बॉडी फीचर एज वेल एज दोज ऑफ योर पेरेंट्स। अब वो कह रहा है कि अपने बॉडी फीचर को और अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करें कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा, बोथ मैटरनल एंड पेटरनल, ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहन भाइयों को रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दी, वो कहते हैं मैटरनल जो हमारे माँ की खानदान से और पेटरनल जो पेरेंट्स वालदैन की खानदान से होते हैं, और फैमिली मेम्बर्स में अपने देखें कौन कौन सी खुशियात होती हैं जो हमारे आपस में मिलती आ रही हैं और कौन सी ऐसी खुशियात हैं जो हमारी डिफरेंस आ रही हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, हेयर का बता रहा है, स्ट्रेंथ कितनी है और कर लिया है, आपके हेयर का कलर क्या है, फादर का क्या है, मदर का क्या है, सिस्टर का क्या है, ब्रदर का क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या है, ये सारा बता रहे हैं। हेयर कलर, आई कलर, कम्प्लेक्शन फेयर है, लेस डार्क, ये सारा आप लोगों ने स्किन का कलर का बता रहा है। हाइट बता रहा है, टाल है, मीडियम है, शॉर्ट, ये सारा आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर देख के सारा फिल कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 23 की तरफ देखते हैं। पेज 23 में एक्टिविटी 2.1 है, वही उसी एक्टिविटी में बता रहा है कि व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू यू एंड योर ब्रदर सिस्टर। अब वो बता रहा है कि कौन कौन से फीचर्स तुम्हारे और तुम्हारे बहन भाइयों के दरमियान कॉमन है, वो आप लोग ये जब टेबल फिल करेंगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे फीचर हैं हमारे जो कॉमन आ रहे हैं। विच ऑफ दीज फीचर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, और यही वाले वही फीचर होते हैं कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में और आपके पेरेंट्स में भी प्रेजेंट है। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्राम दी अबाउ ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है कि ये हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उससे हमने क्या कंक्लूजन अखज किया है कि हमने यही कहा कि करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट है व्हाट आर दी करेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कार्ड। वो कह रहा है जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ योर बॉडी फीचर्स आर डिफरेंट फ्राम योर ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप लोगों ने बताना है कौन कौन से डिफरेंस है, ये याद करने का नहीं, जैसे आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है। और व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफरेंट इन मेम्बर ऑफ अ फैमिली आर इन मेम्बर ऑफ अ स्पीशी कॉल्ड। अब वो जो डिफरेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ें उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं।
नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ते हैं, या आप लोगों ने जस्ट रीड करना है, आप लोगों ने कंपैरिजन करना है बस, या आप लोग के याद करने का नहीं है। नेक्स्ट टाइम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेस मैनी फीचर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स, बट दे आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन सर्टेन कनेक्शन। अब वो ये बता रहा है कि बहुत सी खुशियात ऐसी होती हैं जो हमारी पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं और बहन भाइयों से, लेकिन इसी तरह बहुत सी अच्छी खुशियात ऐसी भी होती हैं जो हमारी बहन भाइयों से मुख्तलिफ होती है। जैसे हमारा हाइट हो गया, किसी हमारे बहन भाई की हाइट बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है हमसे, तो ये ऐसी खुशियात का होता है। ये हमारा होता है कि हमारे दो ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि ये हमारे दोनों पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो किसी में जब पेरेंट्स जब वो ऑफस्प्रिंग में आएंगे तो किसी में डोमिनेंट ट्रेट्स आ जाएंगे और किसी में रिसेसिव ट्रेट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइट और ये सारा डिफरेंस, कुछ करेक्शन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट आ जाती हैं ब्रदर एंड सिस्टर में। नेक्स्ट है सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर आल्सो शो डिफरेंस इन मैनी करेक्टर्स। वही बता रहा है कि बहन भाई में भी कुछ करेक्टर्स डिफरेंट होती है, तो ये इसी वजह से होता है कि किसी बहन में किसी में डोमिनेंट ट्रेट्स आ जाते हैं तो किसी में रिसेसिव ट्रेट्स आ जाते हैं, जिस वजह से करेक्टर्स डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर अ स्पीशीज कॉल्ड वेरी। अब वो डिफरेंस वो क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ खानदान के लोगों के दरमियान या उस स्पीशीज के दरमियान से हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट लिव सक्सेसफुली their environment have a greater chance of survival and continue their race। वो यही कह रहा है कि ये इन वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि इन वेरिएशन उसे अपने माहौल में रहने के और ज़िंदगी गुजारने का अच्छा चांस बताती है कि ये वेरिएशन इस वेरिएशन जो उसके पास जो वेरिएशन आ रही है उसके कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं वो उसी के फ़ायदे के लिए होती हैं बस। नेक्स्ट आज का हमारा यहीं तक टॉपिक है, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे जो कि होगा बेसिक ऑफ हेरिडिटी। हम उसमें ये देखेंगे कि क्या होता है हेरिडिटी में, कि कैसे ये हमारी ये खसूसियात होती हैं पेरेंट्स आसपास में कैसे मुंतकिल होती हैं और हेरिडिटी उसको कैसे सिलेक्ट करती है और कौन सा करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं, मतलब फादर से आते हैं और कौन से मदर से आते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। आज का हमारा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।